हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब एकदम मस्त होंगे और आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखने का कोशिश कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है डायरेक्ट मार्केटिंग। तो डायरेक्ट मार्केटिंग ऐसे तो मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं आपको समझाऊं एक वीडियो के थ्रू, लेकिन फिर भी कुछ रिक्वेस्ट थी इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड से ही सारा एक्सप्लेनेशन सामने आ जाता है कि आप जिस भी चीज का, प्रोडक्ट का या सर्विस का डायरेक्ट मार्केट करें अपने एंड कंज्यूमर्स तक, उसे हम डायरेक्ट मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग का प्रोसेस बड़ा आसान है। कंज्यूमर्स तक हमें पहुंचना होता है इस सिंपल प्रोसेस में। मतलब कि मान के चलिए जो सेलर है वो अपने एंड कंज्यूमर तक डायरेक्टली पहुंच जा रहा है विद द मीडियम्स ऑफ मार्केटिंग चैनल्स। वो मार्केटिंग चैनल्स इसके टूल्स में आते हैं। तो क्या टूल्स होते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, आइए जल्दी से ये भी देख लेते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं एक्चुअली। अगर मैं आपको बात करूं कि डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या क्या आता है, तो बहुत सारे आपके टूल्स हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है, फिर उसके बाद आपका मोबाइल है, मोबाइल में जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं वो है, इंस्टाग्राम पे एड्स हो गया, सोशल मीडिया पे एड्स हो गए, ये सारे आपके डायरेक्ट एडवर्टाइजमिंग डायरेक्ट मार्केटिंग में ही आ रहे हैं। माफ करिएगा जरा सा। तो ये आपके डायरेक्ट मार्केटिंग में आते हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो गए। अब ऑफलाइन में भी बहुत तरीके से, जैसे कि दुकानदार जो आपको डायरेक्ट सामान बेचता है वो भी आपका डायरेक्ट है। फिर आप मान के चलिए जो आपके गेट पे नॉक नॉक करके जो आपका सेल्समैन आता है आपको सामान बेचने के लिए, वो भी आपका डायरेक्ट मार्केटिंग में ही आ रहा है। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स आपको दिख रहे हैं ये सारे डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आते हैं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग ऐसे तो कोई हार्ड टॉपिक है नहीं, लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग के टूल्स, एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाकर के उसे चेकआउट करें और अपने थ्योरी पार्ट के लिए, चाहे वो आपके एग्जाम्स हो, असाइनमेंट्स हो, कोई पीपीटीज हो, ग्रुप वर्क्स हो, उसमें जाकर के उस वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपको उस परेशानी का हल देने का जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। और अगर कोई आपका वीडियो हो, कोई आपका टॉपिक हो आपके दिमाग में, तो वो भी आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।